हम जो है आज से सामूहिक पलायन कर रहे हैं और हमारी 10 मांगे थी जो कई दिनों से हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखी थी, प्रशासन के सामने रखी थी। इसके बाद भी प्रशासन से जब कोई पॉजिटिव ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं तो हमने मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा है सामूहिक पलायन करना। आपकी 10 मांगे क्या क्या हैं? हमारी जो सबसे पहली मांग थी कि जो बॉन्ड है MDMS करने के बाद जो एक साल का महाराष्ट्र शासन का कंपलसरी बॉन्ड है वो किसी भी डॉक्टर को उसी की स्पेशलिटी में मिलना चाहिए और वो विद इन 1 मंथ अगर उसको नहीं दे पाते हैं तो उसको रिलीव कर देना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ऐसी थी कि जिस रेसिडेंट को ऑन ड्यूटी ट्यूबरक्यूलोसिस TB क्षय रोग हो जाता है उसको 2 महीने का पेड लीव मिले और उसका साल बर्बाद ना हो। मैटरनिटी लीव की अभी भी हमारी मांग थी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले साल से अगर देखें तो काफ़ी हिंसा की घटनाएँ बढ़ी है तो इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी की हमने मांग की थी। और उसके अलावा जो की एरियाज है उनमें CCTV कैमराज की हमने मांग की थी। इसके अलावा जो डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स है 36-36, 48-48 घंटे डॉक्टर को एक साथ काम करना पड़ता है, इसके वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट में भी असर पड़ता है तो डॉक्टर को 8-12 घंटे तक ही काम कर दे चाहिए एक दिन में, ये मांग हमने की थी। इसके अलावा SR और ट्यूटर पोस्ट जो है ये फिल करने की मांग की थी हमने और उनको बॉन्ड में कंसिडर करने की मांग की थी ताकि डॉक्टर की संख्या बढ़े और पेशेंट को भी अच्छी सेवा मिले। ये बताइए कल जो है मिनिस्टर साहब को उनकी बात हुई थी, क्या कहां पर बात नहीं बन पाई? ये देखिए पहले भी हमारी मिनिस्टर साहब से इसी मुद्दों पे बातचीत हुई थी, आश्वासन उन्होंने पहले भी दिए थे, एक्शन हुआ नहीं था। इस बार जब तक कोई पुख्ता निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तब तक हम सामूहिक पलायन पे ही रहेंगे। 14 मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल जो है पूरे महाराष्ट्र के वो इस स्ट्राइक में शामिल है। करीबन 4,500 रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है हमारे जो BMC में या GMC में काम करते हैं वो सब इन्वॉल्व है। ये सभी डॉक्टर्स प्राइमरी पेशेंट केयर जो है जो एक्चुअल पेशेंट को देखने का काम करते हैं तो इनकी हड़ताल की वजह से ज़रूर पेशेंट केयर पूरे महाराष्ट्र में अफेक्ट होगा।